बिहार में जिला और राज्य क्रिकेट टीम में चयन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। पटना के ईशान किशन, गोपालगंज के मुकेश कुमार, गोपालगंज के साकिब हुसैन, समस्तीपुर के अनुकूल राय, रोहतास के आकाशदीप, दरभंगा के सुशांत मिश्रा, ये सभी हाल के समय में क्रिकेट की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। इनमें से अधिकतर खिलाड़ी बिहार से बाहर रहकर प्रैक्टिस की और दूसरे राज्यों के लिए खेलना शुरू किया। ऐसे में बिहार के बच्चे जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्लबों में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, इन बच्चों का हमेशा यही सवाल रहता है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेलने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम जिला स्तर या राज्य स्तर पर खेल सकते हैं। अगर आपका भी यही सवाल है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से खेलने के प्रोसेस से अवगत कराएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार के किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो आप बिहार में जिला स्तर से खेल सकते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको जिस भी जिला से खेलना है उसके लिए उस जिला से मान्यता प्राप्त क्लब होते हैं वहां आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस जिला में जितने भी मान्यता प्राप्त क्लब होंगे वे आपस में डिस्ट्रिक्ट लीग खेलेगी, यानी कि उन क्लबों के बीच आपस में मैच खेले जाएंगे। ये मैच खेलने के बाद उस लीग से जितने भी परफॉर्मर खिलाड़ी रहेंगे, चाहे उन्होंने बैट से परफॉर्म किया हो या बॉल से या दोनों से ही, जो भी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसके लिए फिर डिस्ट्रिक्ट कैंप का आयोजन किया जाता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कैंप इन चयनित बच्चों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के प्रदर्शन को देखती है। इसके बाद जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होता है उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग जोन में बांटा जाता है। जैसे मान लिया कि रोहतास जिला है, रोहतास जिला को शाहबाद जोन के नाम से जाना जाता है। वही शाहबाद जोन में कुल 5 टीमें आती हैं, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और औरंगाबाद। और ये टीमें आपस में डिस्ट्रिक्ट खेलती हैं और इसमें जो विनर टीम होती है वे सीधे जोनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। बाकी जो रनर अप टीम होती है उनमें से वैसे खिलाड़ी जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उनका एक अलग टीम बनाया जाता है जिसे स्टेट ऑफ जोन टीम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रोसेस से बाकी सभी जिलों के जोन से क्वालिफाई की हुई टीम का आपस में जोनल मैचेज करवाया जाता है। यहाँ पर जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है उसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कैंप के लिए बुलाया जाता है और उन्हें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से चुनती है। इसके बाद कैंप का आयोजन किया जाता है और वापस से फिर जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं वे चाहे बॉलिंग में हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग हो, उन्हें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उनका स्टेट टीम के लिए चयन किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेलने के लिए लगेंगे उनमें से सबसे पहले आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार नंबर होना जरूरी है, बैंक अकाउंट और चेक होना जरूरी है। साथ ही अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो क्लास 9, 8 और 7 का रिजल्ट होना ज़रूरी है। वही अगर आप 12 में पढ़ रहे हैं तो आपका 11, 10 और 9 का रिजल्ट होना ज़रूरी है। साथ ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, फिटनेस की पुष्टि के लिए। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लीग और स्टेट खेलने के लिए योग्य हो जाएंगे।